हेलो स्टूडेंट, वी आर एक्सप्लेनिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके पहले हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़े थे। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 270। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 270। इफ वन नंबर इज -50, फाइंड द अदर नंबर। मतलब टू प्रोडक्ट नंबर इंटीजर्स का हमको प्रोडक्ट करवाना है और उसका जो प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमको जो भी नंबर्स का इंटीजर्स करवाना है तो हम क्या लिख लेते हैं, लेट अदर नंबर इज, लेट अदर इंटीजर्स बी एक्स। हमने उसको क्या मान लिया, जो अदर इंटीजर्स उसको क्या मान लिया, एक्स। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, -15 से। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको कितना गिवन है, 270। ये आपको गिवन है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 270। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है कि दो इंटीजर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 270 है, जिसमें उन्होंने वन इंटीजर्स आपको गिवन किया है और अदर इंटीजर्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो भी अदर इंटीजर हमको फाइंड करना था उनको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई किससे करवाया, -15 से। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको कितना गिवन है, 270। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 270 डिवाइडेड बाय -15। 50 से इसको कैंसिल करेंगे, 270 को 50 से कैंसिल करना, या फिर 5 से कैंसिल करते पहले। 5 से कितने होते हैं, 15। 5 5 25। 27 से 25 माइनस होने के कितना आ गया, 54। 3 1 3 3 1 3 कितने बचेंगे, 5 में से 3 2 बचेंगे, 24। 3 8 24। तो हमारा आंसर इज -18। कितना आ गया, -18। तो उन्होंने क्या पूछा था आपसे, फाइंड द अदर इंटीजर। तो अदर इंटीजर क्या हो गया आपका, अदर इंटीजर इज -18। ये -18 आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस टाइप से अगर कोई सम आता है तो आपको सॉल्व करना है कि जो भी इंटीजर्स आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स। क्या माना हमने उसको, एक्स। फिर एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करवा दिया आपने, -15 में करवाया। तो -15 में इसका मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया आपका, 270 आया। ओके, फिर इसमें एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 270 डिवाइडेड बाय -15। 270 में -15 से हम डिवाइड करेंगे, जब पहले हमने इसको 5 से, हम डायरेक्ट 15 से भी कैंसिल कर सकते हैं अगर आपको 15 की जगह आती है, पर मैंने इसको 5 से कैंसिल किया है। 5 3 15, 5 5 25, 5 4 20, 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24। तो आंसर कितना है, 18। पर यहाँ माइनस का साइन है तो हम -18। तो अगर इंटीजर क्या हो गया, -18। मतलब -15 में जब हम -18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आ जाएगा आपका, 270। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईच क्वेश्चन केई 4 मार्क्स। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ईच क्वेश्चन केई 4 मार्क्स। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, 4। अगर आप हर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट फॉर रॉन्ग क्वेश्चन +2 मार्क्स आर डिडक्ट। पर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करा और रॉन्ग हो जाता है तो उसमें से +2 मार्क्स आपके कट जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे, डिडक्ट। एंड 0 मार्क्स इज गिवन बाय क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, अगर किए ही नहीं, उसको सॉल्व ही नहीं किया, तो उसकी नंबरिंग क्या होगी आपके, 0। पर आपने सॉल्व तो किया है पर गलत हो गया तो उसमें कितने मार्क्स कट होंगे आपके, 2 मार्क्स। इन ऑल देयर आर 25 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन है आपके, 25 क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मार्क्स स्कोर बाय ईच स्टूडेंट। तो आपको उसके मार्क्स का स्कोर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट ए इसका मार्क्स आपको मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करें। स्टूडेंट ए है इसके मार्क्स में कैलकुलेट करें, पर उसके पहले आपको क्या करना है, करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स कितने, पहले ये राइट कर लें, करेक्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको, 4 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4
4 मार्क्स। रॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको? प्लस 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे, मतलब माइनस हो रहे, डिडक्ट करना है मतलब माइनस 2 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए ये? क्योंकि प्लस 2 मार्क्स क्या हो रहे हो, डिडक्ट करना है, डिडक्ट करना है मतलब माइनस करना है। और नॉट क्वेश्चन जो नॉट अटेंड है उसके कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको? जो अटेंड ही नहीं करा मतलब उसने सॉल्व करके भी नहीं देखा क्वेश्चन को, नॉट अटेंड के कितने मार्क्स है उसको? 0 मार्क्स। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप बोलोगे इसमें तो प्लस 2 है तो मैंने माइनस 2 को लिख दिया, क्योंकि हमको मार्क्स को क्या करना है, माइनस करना है, डिडक्ट करना है। 16 करेक्ट आंसर है, इसके कितने करेक्ट आंसर है? 16 करेक्ट आंसर है। 16 आंसर कितने हैं इसके? करेक्ट है। तो 16 अगर करेक्ट है तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? 4। तो 4 × 4 मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके? 16 × 4 = 64 कितने हो जाएंगे इसके ये मार्क्स? 64 मार्क्स। उसके बाद में 9 रॉन्ग आंसर है, 9 कितने है? रॉन्ग है। अब रॉन्ग में क्या करना है आपको? माइनस 2। रॉन्ग के लिए कितना है आपका? माइनस 2। तो 9 × 8 = 18 पर माइनस 18 कितना जाएगा ये? माइनस 18। ओके, माइनस 18। और रेस्ट क्वेश्चन नॉट अपेयर, वो बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है उसमें अपेयर नहीं करे तो उनकी मार्किंग तो क्या हो जाएगी उसकी? 0। तो वहां हम सॉल्व नहीं कर रहे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 64 − 18 मतलब इसको माइनस करना है। 14 में से 8 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 6। 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 4। मतलब 46 मार्क्स। कितने मार्क्स आए उसके? 46 मार्क्स। इस टाइप से हम कोई भी सारी क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टूडेंट बी का देखते हैं, किसका देख रहे हैं हम? स्टूडेंट बी देखिए, आपको बहुत सिंपल है, 8 करेक्ट आंसर है। कितने हैं? 8 करेक्ट। तो 8 करेक्ट तो कह रहे किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 4 से, क्योंकि करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4 मार्क्स। करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4। तो 8 × 4 जा कितने हो गए? 32। कितने मार्क्स आ गए इसको? 32 मार्क्स। बट उन्होंने क्या किया है? 7 रॉन्ग क्वेश्चन है। रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 7। अब रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितने डिडक्ट करने? माइनस 2। वो बोले प्लस 2 मार्क्स डिडक्ट होते, तो प्लस 2 डिडक्ट होते हैं मतलब हर रॉन्ग क्वेश्चन में माइनस 2 कम हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो 7 × 2 सर कितने हो गए? माइनस 14। कितना आ जाएगा आपका? माइनस 14। ओके, अब माइनस कर देंगे, 12 में से 4 माइनस में कितने हो गए? 8। 3 में से 2 गए 1, मतलब 18 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले उसको टोटल? 18 मार्क्स मिले। और रेस्ट ऑफ नॉट अपेयर्ड, रेस्ट क्वेश्चन नॉट अपेयर्ड, तो जो क्वेश्चन उसने अपेयर नहीं करे उसकी मार्किंग क्या हो जाएगी? 0। आप यहां लिख सकते हैं नॉट अपेयर्ड के कितने होंगे? नॉट अपेयर की मार्किंग कितनी हो जाएगी यहाँ? 0। तो उसको टोटल मार्क्स कितने आए आपके? 18 मार्क्स। इस टाइप से आप सी डी ई इन सबके मार्क्स क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर के लिए आपको किसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का। रॉन्ग आंसर के लिए किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? माइनस 2 का। इस टाइप से आप सभी स्टूडेंट सी एन डी एंड ई इनके भी मार्क्स क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको ए और बी ये दो स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड करना बताया, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी एंड स्टूडेंट ई, इन तीनों के मार्क्स आपको फाइंड करना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। अ फूड सेलर सोल्ड 25 केजी एप्पल्स विद अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर केजी, मतलब एक फूड सेलर है, उसने टोटल उसके पास कितने एप्पल थे? 25 केजी एप्पल्स थे और उसमें 8 पर केजी उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब हर किलो पर उसको 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, पर केजी मतलब हर किलो। बट एट द एंड ऑफ डे ही सोल्ड द रिमेनिंग 15 केजी एप्पल, पर क्या हुआ कि उसने डे के एंड में तो 15 केजी एप्पल सोल्ड करे थे, उसको 16 रुपीज का लॉस हुआ पर केजी पर, पर केजी पर। तो फाइंड इज हर नेट प्रॉफिट और लॉस। तो ये मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझना और खुद करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे 1 केजी प्रॉफिट कितना है? 10 पर केजी। 1 केजी पे कितने का प्रॉफिट है? 8 रुपीज का। तो 25 केजी एप्पल्स पे कितना प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट ऑफ 25 केजी एप्पल्स इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 8,
25 में 8 का मल्टीप्लाई कर देना तो आपको टोटल प्रॉफिट आएगा। ओके, उसके बाद ही सोल्ड द रिमेनिंग 15 केजी एप्पल ऑन लॉस। 15 केजी एप्पल उसने लॉस में बेचे तो 15 में से किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 16 का। उसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, तो ये जो लॉस में बेचे है उसका आ जाएगा 15 में 16 का मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसका डिफरेंस निकाल लेना। आप बिगर नंबर कौन सा, अगर बिग कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस टाइप से उस आपके आंसर को क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप सॉल्व करके देखें, इजीली